तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक बॉम्ब है, ठीक है, एक बॉम्ब एट रेस्ट है, एक्सप्लोड इनटू टू पार्ट मास M1 एंड M2। तो अगर ये एक बॉम्ब है, ये यहाँ से बम है, और वो अगर बम रेस्ट में है और दो पार्ट में ब्रेक होता है, हमेशा याद रखना अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है, मोमेंटम जीरो है। तो जब कभी भी दो पार्ट में कोई भी चीज़ अगर रेस्ट ब्रेक होगी तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। मतलब अगर एक इसका पास एक मास M1 इधर जा रहा है वेलोसिटी V1 से, तो दूसरे को जस्ट इसके अपोजिट M2 को V2 से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यार। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो जाके बात बनेगी। तो ये जो मोमेंटम P1 है, ये जो मोमेंटम P2 है, एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट आएंगे, दैट्स वाई वेलोसिटी इनकी अपोजिट होगी, तो जाके मोमेंटम अपोजिट होगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक इधर गया तो दूसरे को इधर जाना ही पड़ेगा, तीन पार्ट में ब्रेक हुआ तो इस तरह से ब्रेक होगा कि इन दोनों के रिजल्टेंट का मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम इसके अपोजिट आएगा। बात समझ में आया यार? तो मोमेंटम कंजर्व आना चाहिए ना, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी तो जीरो होगा। तो अगर इनिशियल जीरो है, फाइनल भी जीरो होगा, तो एक काम करते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर कर देते हैं, या वेक्टर में लिखोगे तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज जीरो। तो P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, तो मास M1 V1 और मस्ट बी इक्वल टू मास M2 V2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मुझे मिल गया कि अगर दोनों मोमेंटम बराबर है तो P1 अपन P2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से समझ रहे ना, 1 आ गया, क्योंकि ये दोनों समझ रहे ना मोमेंटम P1 P2 बराबर है। तो यार M1 V1 और ये M2 V2 और ये मोमेंटम कट के 1 आ गया ना। तो मोमेंटम का रेशियो तो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है P² / 2m। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली की होगी और काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे वाली की होगी इज प्रोपोर्शनल टू मास के M2 / M1, मास के इनवर्स में आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, 1 है, मोमेंटम क्या है सेम है दोनों का। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 / मास, ठीक है ना, इनवर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब बी ऑप्शन अपना सही मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।